नानी से पूछा, नानी कह रही है मुंह धोया हुआ लग ही नहीं रहा है। मुझे जुकाम लग गया आज, बट कोई नहीं, मैंने गोली खा ली है बढ़िया करके और ठीक है। मैं तो मस्त एकदम तैयार हो गया, अभी मुंह धो लिया, अभी शायद मुंह धोया हुआ लग रहा हो। नानी से नहीं पूछूंगा मैं, नानी फिर क्या देगी ना, मुंह नहीं धोया तो खाली अजीब लगेगा। तो सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं सूर्य देवी कटारमल मंदिर, जो कि यहाँ से 105 किलोमीटर है। ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, और भाई उससे भी खतरनाक चीज हमारे साथ कौन जा रही है, मेरे साथ है रॉयल एनफील्ड पल्सर व NS 200, तीन गाड़ियाँ जा रही है आज, और वो है सबसे खतरनाक तो आज की। आज तो तीन गाड़ियाँ एकदम, आज नया अमन आया हुआ है भाई, बहुत टाइम बाद आ रहा है। ऐसे तो तीन गाड़ियाँ हैं लेकिन मैं भी अच्छे से जाऊँगा, लेकिन भाई सबसे तगड़ी गाड़ी तो यही है जो अभी पेट्रोल भरा रही है, और ये हमारे साथ जाएगी वहाँ तक। चलिए कैची धाम भी पहुंच गए, सुमित गया अंदर दर्शन करने के लिए और हमने हाथ जोड़ लिए, अभी कार्तिक आया नहीं है तो अभी हम लोग छोले वोले खाते हैं, तब तक सुमित अपने दर्शन भी कराएगा। बता नहीं कार्तिक कहाँ है, कार्तिक तो देख भी नहीं रहा है। जैसे सुमित दर्शन करके आता है हम लोग चाय छोले चाय वाय खा लेते हैं आराम से, बोले कर देना। ओहो कार्तिक भी आ गया है, तू जा तू दर्शन करने जा भाई। एक ये वाली गाड़ी है जो हमारे साथ सिर्फ यहीं तक आई थी, और कार्तिक यहाँ से जा रहा है कैची मंदिर को, फिर यहाँ से घर को चल जाएगा। चल चल फिर, बाय बाय। बस यहीं पे तक था, ये घर को चल जाएगा यहाँ से। मिर्च वाले चटपटे छोले भी आ गए, छोले चाय खाते हैं और फिर निकलते हैं। 50 किलोमीटर अभी और बचा है यहाँ पे से। अभी सुमित का वेट हो रहा है, सुमित दर्शन करने गया है। खाना वाना तो हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। लेकिन कैची धाम में दर्शन करने वालों की भीड़ अभी भी बहुत है यार, बाप रे। अभी अपने को तो यहाँ से नहीं भी तो 50 किलोमीटर और आगे निकलना है, तो हम लोग तो निकलते हैं। यहाँ से यहाँ पे भी रोड उखड़ गई, बहुत जगह पहले ही हो गया यार। काफी अजीब हालत हो रखी है, बड़ा रूट। आगे वाली गाड़ी में बड़ा सही लगा है, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, वरना हरिद्वार मिलोगे। बस तो यहाँ पे सीधे एक अल्मोड़ा को चले गए, ये नीचे को जाती है ना यहाँ से सीधे कौसानी को भी निकलते हैं यहाँ से, तो यहीं पे सी सूर्य कटार मंदिर के लिए 20 किलोमीटर और बचा है, मतलब 20 किलोमीटर और बचा है, बस निकलते हैं यहाँ से। कोसी की मार्केट में रुक गए खाने के लिए, क्योंकि यहाँ से अभी भी 6-7 किलोमीटर है कटारमल, और 2 बज गया है और हमें और टाइम लगेगा। अभी द्वारी शुद्ध शाकाहारी उनके उसमें बढ़िया करके यहाँ खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। वाह तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। धोलो धोलो मसाले, मुँह हाथ धो ले। वाह तो खाने में कितना बढ़िया बढ़िया खाना आया है। चलो इसको खा के हमारी पूरी थकान मिट जाएगी। तो खाने पे दाल, ये है कढ़ी, और ये है वाह बैगन, बैगन है शायद, बैगन आलू। अच्छा हो रहा था खाना, बहुत बढ़िया हो रहा था। तो कभी भी आओ कटारमल सूर्य देवी मंदिर, यहाँ जरूर रुकना। तो आगे से ग्रील वेल बनी हुई है, रास्ता वहां से है पूरा घूम के ऊपर निकलने का। वो देखो वो दिख रहा है ना मंदिर, वो है मंदिर, बट हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए तो हम लोग यहीं से ऊपर को निकल रहे हैं। रास्ता गाड़ी हमने अपनी वहाँ पे पार्क कर दी है, ज़्यादा नहीं था ये, ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर है,
तो यहीं पे से ऊपर को जाएंगे सीधे, बस और क्या, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है यहाँ पे से। अब वो जो मेन रास्ता हम जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने मिस कर दिया, वो पूरा ऐसे घूम के है पैदल, बट ठीक है, हम लोग यहाँ से ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही है, मंदिर दिख ही रहा है, तो आराम आराम से जाएंगे एकदम अच्छे से। ये सारे पेड़ है ना, ये नाशपाती का पेड़, ये वाला, सारे ही नाशपाती के हैं यहाँ पे पेड़। मेन रास्ता वो था ना, वो है मेन वाला रास्ता, ग्रीन वाला, बट हम लोग यहाँ से आ गए, पहुँच गए, चलो, ज़्यादा नहीं था ये रोड से, कुछ 1 किलोमीटर भी नहीं था अच्छे से ऊपर को। हाँ, चलो अब यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। तो फाइनली ये है मंदिर पूरा, देखो पूरा एकदम जागेश्वर के उस पर बना हुआ है ना, पूरा जैसे जागेश्वर धाम बना हुआ है ना, तो पूरा वैसे ही बना हुआ है पूरा। लेकिन वो जगह है मेरे ख्याल से यार वाली, जिसमें मतलब सूरज की पहली किरण पड़ती है ना, तो सीधे उस मंदिर पर पड़ती है, वहाँ वाले में, वही मुझे देखनी भी थी, तो यहीं से सीधे पड़ती है, तो इसलिए सूर्य देवी मंदिर है यहाँ पे। ये सबसे अच्छी बात, तो यहाँ पे से जब सूरज की, जब सनराइज़ होता है, यहाँ पे से जो सूरज की रेज निकलती है ना, उसमें सबसे पहली किरण जो निकलती है उसमें वहाँ पे जाके पड़ती है, वो सीधे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वो पड़ती है, वहाँ पे से सीधी यहाँ पे पड़ती है, और यहाँ पे से पार होते हुए वहाँ मंदिर रखा हुआ है उस पर पड़ती है सबसे पहली किरण सूरज की, बताता हूँ, यहाँ पड़ती है, देखो इस पर पड़ती है सीधी, वहाँ पे से सीधा होता है एकदम पहली किरण, समझ आया। मतलब जितने भी ये मंदिर हैं यहाँ पे 45 ऐसे मंदिर है छोटे छोटे से, एक तो ये बड़ा और ये छोटे छोटे जितने भी हैं 45 है कुल मिला के। मैंने यहाँ पे बड़ा, हाँ मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, बताया है पूरा। और ये मंदिर नेशनल हेरिटेज में भी आता है ये वाला। हाँ, तो जैसे ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इनमें सब में मूर्तियाँ सब में रखी जाती हैं, जैसे वहाँ शिवलिंग रखे हैं ना वैसे यहाँ भी, लेकिन वो मतलब सेफ्टी के नज़रिए से अंदर रखी हुई हैं, ताकि चोरी वोरी ना हो जाए, कोई ले ना जाए। और मेनली मई जून के महीने में लोग आते हैं देखने के लिए, अभी तो एकदम सुनसान हो रखा है ना, जो पूस का महीना होता है उस टाइम पर पूरा लोग आते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। और सच में ही सूर्य देवी मंदिर है यार, मैंने तो सॉक्स पहने ना, इन लोगों ने सॉक्स उतारे थे, इनके पाँव एकदम जल रहे हैं पूरा बढ़िया करके। सब आप लोग नीचे को जाते हैं यहाँ से, फिर चाय वाय पीएंगे कहीं, फिर वहीं रखेंगे। चलो, हम लोग वहाँ से आए नहीं, हम लोग यहाँ से आ गए सीधे, क्योंकि हमने गाड़ी नीचे खड़ी करी ना, और अब सीधे निकलते हैं यहाँ से, और क्या, नीचे कहीं पे चाय वाय मिलती है तो वहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग रास्ता ढूंढते कहाँ आ गए एकदम, लेकिन हमें अच्छी चीज़ दिख गई, माँ नंदा देवी वाला मंदिर दिख गया एकदम, एवं किसी गली में फंसे थे हम लोग। चलो, वहाँ हम लोग आ गए एकदम मेन अल्मोड़ा बाजार में। हाँ हाँ भाई, और अल्मोड़ा बाजार में आए और बाल मिठाई नहीं ले जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो भी मेन आदमी के वहाँ से एकदम। ये देखो, यहाँ के सबसे पुराने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, खीम सिंह, मोहन सिंह, इनसे पुराना कोई नहीं है एकदम। आधा किलो मेल ले भी कर देना, आधा किलो। हेलो, हाँ अभी खाएंगे इसको, चलो बाद मिठाई तो ले ली, अब कहीं चाय पियेंगे, हम लोग भी खाएंगे अभी, थोड़ी घर के लिए ले जाऊँगा। तो देखो, यहाँ से ऊपर को चले गए सीधे मेडिकल कॉलेज को रास्ता, मतलब ये जो बीच का एरिया है ना, ये सारा पैदल वाला है, गाड़ी से जाना है तो यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, और अगर सीधे निकलना है तो ये सीधे मेडिकल कॉलेज को निकल जाएगा, यहाँ पे ये अस्पताल भी है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे से घर को निकलेंगे, थोड़ी देर बाद चाय वाय पी के सीधे निकल जाएंगे, थोड़ी सी बाल मिठाई भी खाएंगे। चाय पिला दो यार दादा, बढ़िया सी चाय पिला दो। हम जहाँ रुके अभी चाय पीने के, उसके बाहर का दिखाऊं नजारा, ये कितना बढ़िया लग रहा है एकदम,
और ये बर्ड की आवाज सुनो, ये शाम 5 बजे होते ही ना उसके बाद चहचहाने लग जाती है एकदम। देखो 6 तो बज गया आराम से, हम लोग रुकेंगे किसी रिवर व्यू रेस्टोरेंट में। तो आज आप लोगों ने देखा हम लोग, मैं गया था इनका टारमल सूर्य देवी मंदिर, उसके बाद हम लोग गए अल्मोड़ा, यहाँ पे से हम लोगों ने मिठाई ली और फिर अभी 6 बजी गए, फिर यहाँ पे से चाय पियेंगे, फिर निकल जाएंगे सीधे घर पे ही निकल जाएंगे। तो यहीं पे इसी ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जाते जाते लाइक करना है, अच्छा लगे शेयर करना है हमेशा की तरह जैसे आप लोग करते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे से नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है।